आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आवर दिस क्वेश्चन सेज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द 3D मेटल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द मेटल। ये इसका अजॉर्शन है। रीजन कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d एंड nh सबशेल्स डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द मेटल। तो अजॉर्शन में क्या कह रहा है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं 3D मेटल्स के, वो क्या सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल पर डिपेंड करते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। हमें ये अजर्शन और रीजन वाला बेस्ड क्वेश्चन इस गिवन पैराग्राफ के बेसिस पे सॉल्व करना है। एंड यहाँ पे मेंशनड है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं 3D मेटल्स के, दे मे डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस आल्सो। वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द मेटल पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए अजर्शन हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द n-1d एंड ns सबशेल्स डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिटेड बाय द मेटल। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कोरिस्पोंड्स टू द नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करने के लिए हम उसके, स्पेशली डी ब्लॉक में ये देखते हैं कि उसके n-1d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ns ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले तो ns ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तब जब ns ऑर्बिटल कम्प्लीटली वैकेंट हो जाता है, फिर n-1d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, सो दिस रीजन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस अजर्शन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।